नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने वर्चुअल रिमोट दबाकर 17,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी के माध्यम से मध्य प्रदेश को कृषि सिंचाई से लेकर विकास तक की कई सौगातें मिली हैं। आज पीएम मोदी की मौजूदगी में बिजली पानी सड़क बाईपास से लेकर कई ग्रामीण विकास के नवाचार एमपी को मिले हैं। महाकाल लोक के साथ हमने धार्मिक पर्यटन के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढ़ाने के काम किया है। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य का सुशासन दुनिया ने देखा, अब पीएम मोदी के जरिए दुनिया भारत में एक बार फिर सुशासन देख रही है। एमपी में 9 दिन का विक्रम उत्सव शुरू हो रहा है, ये हमारे लिए गौरवशाली विरासत है। बाबा महाकाल की नगरी कभी पूरी दुनिया के लिए महत्व का केंद्र थी, लेकिन काल के प्रभाव से उसे भुला दिया गया। अब एक बार फिर उज्जैन में काल चक्र बदल रहा है और विक्रम वैदिक घड़ी की स्थापना हो रही है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से काम कर रही है। बीते 10 वर्षों में हम सभी ने एक नया भारत बनते देखा और रेलवे में तो परिवर्तन साक्षात हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इस काम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा मध्य प्रदेश में किया जा रहा है 2000 करोड़ रुपए से अधिक रेल परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण। राज्य के नर्मदापुरम जिले पैसेंजर ट्रेन एवं मालगाड़ियों का संचालन होगा आसान, साथ ही इटारसी और आसपास के क्षेत्रों में रेल परिचालन होगा सुगम। मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली नवद है वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी।
हमारे आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार गठबंधन की सरकार बन करके विकास के एक के बाद एक नए नए सोपान चलती जा रही है। आज हम आपके माध्यम से हमारी जिस प्रकार से विकास के कामों की शुरुआत हुई, मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ सर्वाधिक गति से विकास के साथ साथ हमने कृषि के उत्पादन क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ाते हुए बहुत बड़े मुकाम को हासिल किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के साथ ही आपने एक बहुत बड़ी नई परियोजना पार्वती कालीसिंह चंबल परियोजना जिसके माध्यम से राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ते हुए लगभग 35,000 करोड़ की नई शुरुआत आपके साथ आपके माध्यम से मिली है। मैं आपको ही स्मरण कराना चाहूंगा, पूरे दुनिया का पहला नदी जोड़ो अभियान वो भी मध्य प्रदेश से आपके कारण ही जुड़ा है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल and press the bell icon.